मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक अपनी अंतर्जात उदारता में सुरक्षित रहें। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं, एक दिन आप इस संसार से चले जाएंगे, कुछ लोग आपके लिए रोएंगे तो कुछ आपके विरुद्ध कुछ कहेंगे, परंतु याद रखिए आपके सारे बुरे और अच्छे विचार आपके साथ ही जाएंगे। इसलिए आपका मुख्य कर्तव्य है अपना आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को सुधारना, अपना सर्वोत्तम प्रयास करना। जब तक आप सच्चे हृदय से अपने को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक दूसरे आपके विरुद्ध क्या कहते हैं या क्या करते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उनकी ओर ध्यान न दें। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के लिए किसी प्रकार का विरोध या वैर उत्पन्न न हो, और अपने हृदय में मैं जानता हूँ कि मैंने सबके साथ अच्छा रहने में अपना श्रेष्ठतम प्रयास किया है, परंतु मैं लोकमत को, दुनिया को कोई महत्व नहीं देता। चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई निंदा करे, ईश्वर मेरे साथ हैं और मैं ईश्वर के साथ हूँ। यह गर्व उक्ति नहीं है, यह घमंड नहीं है, परंतु मैंने इस भावना का आनंद अपनी चेतना में अनुभव किया है। कोई भी मुझे प्रतिशोध लेने के लिए उकसा नहीं सकता, किसी के प्रति कोई हीन भावना मैंने मन में लाने से तो मैं अपने आप को दंडित करना अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। लोग आपकी शांति भंग करने के लिए चाहे कितने भी प्रयास कर लें, आप यदि सबके साथ प्रेम से रहने के अपने संकल्प पर अड़े रहे तो आप विजेता हैं। इस पर प्रचार करें। आपको डराया धमकाया जाए और आप शांत एवं सारी धमकियों से अप्रभावित रहें, तो जान लीजिए कि आपने अपने अहम को जीत लिया है। आपके शत्रु आपकी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कोई मेरी जान का दुश्मन भी बन जाए तो भी उसके प्रति कोई हीन विचार मन में आने देने की मैं सोच भी नहीं सकता। उससे मुझे ही दुख होगा। पहले ही संसार में इतना द्वेष उद्वेग में देख रहा हूँ, उसे बढ़ाने को कोई भी बहाना अक्षम में हो सकता है। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं और सब में ईश्वर को देखते हैं, तो आप किसी के प्रति कोई हीन विचार कर ही नहीं सकते। जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का सबसे अच्छा कौन सा है तरीका, ये सोचिए। और यदि फिर भी वह आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो कुछ समय के लिए उससे मुंह फेर लीजिए। अपने प्रेम और सहृदय को अपने अंतर में बंद करके रख लीजिए, परंतु किसी भी कीमत पर निर्ममता या निष्ठुरता को अपने व्यवहार में प्रदर्शित मत होने दीजिए। अपने अहम पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी विजयों में से एक सदैव दूसरों का ध्यान रखना और सबसे प्रेम की अपनी अक्षमता में आपको विश्वास होना और इस निश्चित ज्ञान में दृढ़ होना कि कोई भी आपसे इससे अन्यथा व्यवहार नहीं करा सकता। इसका अभ्यास करें। संपूर्ण रोमन की सत्ता क्राइस्ट में निर्दयता जागृत नहीं कर सकी। यहाँ तक कि जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया उसके लिए भी प्रार्थना की कि हे परमपिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आप अपने आत्मनियंत्रण में निश्चित रूप से स्थिर हो जाते हैं, तब आपकी वह विजय किसी निरंकुश शासक से भी बड़ी होती है। वह एक ऐसी विजय होती है जो आपकी अंतरात्मा के
न्याय सिंहासन के समक्ष निष्कलंक पवित्र सिद्ध होती है। आपकी अंतरात्मा ही आपका न्यायाधीश है। अपने विचारों को पंच बनने दें और स्वयं प्रतिवादी बने। प्रतिदिन अपने आप की यह परीक्षा लें और आप देखेंगे कि जितनी बार आप अपनी अंतरात्मा से दंडित होते हैं, जितनी बार आप स्वयं को अच्छा बनने की, अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार व्यवहार करने की आज्ञा देते हैं, आप उस आज्ञा का दृढ़ता से पालन करते हैं, उतनी ही बार आप विजयी होंगे। अपने आप को बदलने में आयु का कोई बहाना स्वीकार नहीं हो सकता। विजय का युवावस्था से संबंध नहीं, उसका संबंध केवल निरंतर प्रयास के साथ है। प्रयास की उस निरंतरता को विकसित करें जो बड़े बड़े महात्माओं ने की थी। जब शरीर छोड़ने का समय आए, उस समय महात्माओं की मनोवृत्ति की तुलना आप करके अपने आप को देख सकते हैं कि कोई भी महात्मा मृत्यु के समय भी ईश्वर को भुला नहीं पाया। ईश्वर को लगातार प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने धन्यवाद ही भेजा। और आप देख सकते हैं बहुत से महात्माओं को बंदी बनाया गया, तड़फाया गया और उनके संस्कार को बदलने की कोशिश की गई, पर किसी भी महात्मा ने अपनी मन की दिव्य शांति को नहीं भंग होने दिया। मेरे लिए अब जीवन और मृत्यु के बीच कोई पर्दा नहीं है, इसलिए मृत्यु मुझे तनिक भी डरा नहीं सकती। शरीरस्थ आत्मा सागर की सतह पर एक लहर के समान है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा रूपी वह लहर ब्रह्म सागर में विलीन होकर सतह के नीचे चली जाती है जहाँ से वह आई थी। मृत्यु की वास्तविकता उन साधारण लोगों की चेतना से छिपी ही रहती है जो आत्म साक्षात्कार का कोई प्रयास नहीं करते। ऐसे लोगों के मन में कभी यह विचार नहीं आ सकता कि अपने सारे वैभव सहित ईश्वर का साम्राज्य उनके अपने भीतर ही विद्यमान है, जहाँ कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई चिंता, कोई दुख सपन आत्मा को भ्रमित नहीं कर सकता। मुझे तो केवल अपना दिव्य चक्षु खोलने की देर है। उसी क्षण यह जगत अदृश्य हो जाता है और अन्य जगत प्रकट होता है। उस जगत में मैं अनंत परमात्मा के दर्शन करता हूँ। यह अवस्था कार्यशीलता और ध्यान के बीच संतुलन रखने से प्राप्त होती है। न आप अपने कार्य को उपेक्षित करें और न ही ईश्वर के लिए ध्यान को उपेक्षित करें। संतुलन बनाए रखें, कार्य करते हुए ईश्वर को याद करें और जब कार्य खत्म हो जाए गहरे ध्यान में बैठ जाएं। अत्यधिक कार्यशीलता आवश्यक है, बहुत अधिक कार्य करना होगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु भगवत सेवा की इच्छा मन में रखकर। और उतना ही आवश्यक है गहरे ध्यान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रतिदिन प्रयास। जय गुरु जी।